कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने समस्त निजी स्कूलों के संचालकों के सामने हाथ जोड़कर दिया निर्देश, कहा कि यदि किसी भी संचालक की मनमानी फीस बढ़ोतरी की और किताबों का अतिरिक्त बोझ अभिभावकों और बच्चों पर डाला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी स्कूल संचालकों के साथ कलेक्टर भास्कर लक्षकार की बैठक की, जहां उन्होंने दो टूक शब्दों में निजी स्कूल संचालकों को कह डाला कि यदि अभिभावकों पर किसी भी तरह का बोझ डाला गया या इसके लिए उनके स्कूल एवं उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं साफ शब्दों में यह तक कह डाला कि मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूल संचालक जल्द से जल्द अभिभावकों को पैसा वापस कर दें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी निजी स्कूल संचालक बच्चों पर किताबों का ज्यादा बोझ नहीं डालें और ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग करें। जो भी स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान गाइडलाइन के अतिरिक्त पाया गया उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कलेक्टर के निर्देश को कितने लोग मानते हैं और जो नहीं मानेगा उस पर क्या कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति बनकर ही रह जाएगी। बिजनेस के रूल्स को फॉलो करें, कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। हमको तो ये बैठक ही नहीं बुलानी चाहिए थी, हमको तो सीधे कंप्लायंस के लिए इंस्पेक्शन भेजना शुरू कर देना था और आप लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर देनी थी। मैं बैठक क्यों बोला? ये जो फीस में वृद्धि हुई है, आप लोग कह रहे हैं, आपने जिन लोगों ने भी फीस में वृद्धि करी है, आप सीधे सीधे धारा 188 के अंतर्गत FIR के पात्र हैं। एक्ट के विरुद्ध, विधानसभा के पारित एक्ट के विरुद्ध आपने कार्रवाई करी है। ठीक है, तो कृपा करके ये ज्ञान मुझे मत दीजिए। मैं सीधे सीधे दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। उपाध्याय जी ने काफी आपको मीठी मीठी शब्दों में बता दिया, सीधे सीधे बताना चाहूंगा। देयर विल नॉट बी एनी फीस इंक्रीमेंट अंटिल इट इज अप्रूव्ड लीगली। सेकंड थिंग, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एडिशनल बर्डन ऑन द पेरेंट्स। प्लीज कोऑपरेट विद अस। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज डू नॉट फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ बुक सेलर्स, पब्लिशर्स और जो आपके जो यूनिफॉर्म वाले, प्लीज डू नॉट फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ थिंग्स। जो आप बताते हैं कि वहां से दुकान से खरीदना है, ये उस पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है, ये तो पुरानी चीज हो गई है। आप जानते हैं कितना मीडिया सक्रिय है और कितना पेरेंट्स जागरूक है, तो कृपा करके आप अपने आप को उस सूप में मत डालिए, उस मैस में मत पड़िए। मेरा आग्रह, निवेदन, कर्मद निवेदन आप लोगों से सिर्फ इतना है कि इस एक्ट का पालन करिए। इस एक्ट में बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि किस प्रकार से रेगुलेशन पुस्तकों के संबंध में, जो एडिशनल जो चीज़ें हैं उनके संबंध में, यूनिफॉर्म के संबंध में और फीस के संबंध में किस प्रकार से किया जाना है।